हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर एनपी ब्लॉग्स। इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि फोर्ड इक्वेस्पोर्ट में ऑयल फिल्टर और इंजन ऑयल कौन सा डालें और कहां पे इसको चेंज करवाएं। तो इसमें आप देख सकते हैं, ये जो ऑयल फिल्टर है जो इनके हाथ में है, ये फोर्ड का ओरिजिनल ऑयल फिल्टर है जिसको अभी हम रिप्लेस कर रहे हैं। पुराना ऑयल फिल्टर खोल दिया गया है और नया ऑयल फिल्टर को अभी लगाया जा रहा है। इसका MRP है 415, मतलब 415 रुपये, और ये 400 रुपये में आपको दुकान में मिल जाएगा। और ये है जगह जहाँ पे ऑयल फिल्टर लगाया जाता है, उसको इन्होंने क्लीन कर लिया है और अब इसमें इसको कसने जा रहे हैं। और उससे पहले इसका गैस्केट जो है वो भी ऑयल फिल्टर के साथ ही आता है, एक रबर आता है, उस पर इन्होंने सीलेंट लगा दिया है ताकि कोई लीकेज नहीं हो, और अब इसको जाके वहाँ पे टाइट कर दिया जाएगा। और जो इंजन ऑयल जो हमने लिया है वो शेल का है, क्योंकि जो सर्विस सेंटर में इंजन ऑयल देते हैं, पता नहीं कौन सी कंपनी का देते हैं, उसका कॉस्ट तो बहुत कम रहता है, लेकिन मेरा तो 5-6 हज़ार किलोमीटर में ही उसका हालत ख़राब हो गया था, वो काफ़ी पूरा ब्लैक हो चुका था। तो इसलिए हमने इस बार सोचा कि अच्छा इंजन ऑयल डालते हैं, तो हमने सेल का इंजन ऑयल लिया है। आपको हम उसका डब्बा दिखाएँगे जिसका MRP है 2600 रुपये, और दुकान वाले ने हमसे 2200 रुपये लिया है उसका। तो ये रहा हमारा ऑयल फिल्टर जिसको अभी टाइट किया जा रहा है। ऑयल फिल्टर पूरा टाइट हो जाएगा, उसके बाद इंजन ऑयल डालेंगे। यहाँ पर से एयर फिल्टर भी अभी निकाला हुआ है और जिसको बाद में फिट किया जाएगा। एयर फिल्टर बिल्कुल सही था और हम सिर्फ ऑयल चेंज करवाने के पर्पज़ से ही गए थे, क्योंकि ऑयल का स्थिति ख़राब था। ये रहा जहाँ से ऑयल निकाला गया है अभी, और अब इसको वापस टाइट कर रहे हैं ताकि ऑयल ऊपर से भरा जाए। तो ये जब पूरा टाइट हो गया है, अब इसको इसमें हम इंजन ऑयल डालेंगे। तो चलिए आपको ले चलते हैं कि कौन सा इंजन ऑयल है। ये ढक्कन खोल दिया हमने इंजन ऑयल चैम्बर का, और आपको हम दिखाते हैं कि कौन सा इंजन ऑयल यूज हो रहा है। ये रहा इंजन ऑयल का डब्बा, इसको दिखाता हूँ मैं। ये है हेलिक्स HX8 5W30। तो इससे अब हम इंजन ऑयल को फिल करेंगे। ये 3.5 लीटर का डब्बा है जो कि पूरा का पूरा आ जाएगा, और उसके बाद हो सकता है थोड़ा बहुत टॉप अप भी करना पड़ सकता है। तो फिलहाल हम ये 3.5 लीटर ही डाल रहे हैं, टॉप अप हम बाद में कर लेंगे उसका लेवल चेक करने के बाद। अगर लेवल कम हो तो फिर हम उसमें टॉप अप करेंगे, अदरवाइज़ उसकी ज़रूरत नहीं होगी। तो आप जब भी इंजन ऑयल डलवाएं तो आप सामने खड़े होकर डलवाएं कि अच्छा इंजन ऑयल यूज़ करे आपका मैकेनिक। ये रहा एयर फिल्टर, तो एयर फिल्टर पूरा निकाल के जस्ट क्लीन किया गया, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं, तो इसको वापस से फिट किया जा रहा है। इसको लेके चारों नट टाइट किया जाएगा और उसके बाद इसको वापस से उसी जगह पे फिट कर दिया जाएगा। अब इसका ढक्कन लगा दिया गया और हमारा ये काम पूरा कंप्लीट हो गया।